हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रमित खट्टर का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए बड़ी चोट मानी जा रही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के रिश्तेदार के रूप में रमित खट्टर का विपक्षी दल में शामिल हो जाने से भाजपा कहीं न कहीं असहज महसूस कर सकती है, क्योंकि इससे जनता के मन में भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। रमित खट्टर कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गए हैं, इसकी पुष्टि हरियाणा यूथ कांग्रेस ने की। यूथ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया कि श्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। आपको बता दें कि रमित खट्टर मनोहर लाल खट्टर के भाई जगदीश खट्टर के बेटे हैं। कांग्रेस में रमित का शामिल होना पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। वहीं माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को झटका लगा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रमित खट्टर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ खड़े हैं और उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। इस दौरान रोहतक विधायक ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के साथ चुनाव के डोर टू डोर कैंपेन में साथ रहेंगे और पार्टी उन्हें पूरा मान सम्मान देगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद रमित खट्टर प्रमुखता से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, साथ ही पार्टी के हर बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कांग्रेस को मजबूती देने के साथ राजनीतिक रूप से उन्हें भी मजबूत करेगा। इसे हरियाणा की सियासत में बड़ी हलचल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रमित खट्टर जब कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन में शामिल होंगे तो जाहिर है कि वे बीजेपी के विरोध में स्वतः ही खड़े हो जाएंगे, जिससे राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले रमित खट्टर का नाम पहली बार तब सामने आया था जब 2020 में हरियाणा में एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की पिटाई हुई थी। इस मामले में FIR भी दर्ज हुई थी और FIR में रमित का नाम भी शामिल था। हालांकि रमित ने कहा था कि वे अपना कारोबार चलाते हैं और इस घटना में मेरे शामिल होने को CM के रिश्तेदार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उनके दोस्त रजत के वन विभाग में कुछ मसले चल रहे हैं। इस मामले में वन विभाग के अधिकारी ने आरोप लगाया था कि जब वे पिट रहे थे तब मौके पर रमित खट्टर भी मौजूद थे। इसकी सफाई देते हुए रमित खट्टर ने कहा था कि वे चंडीगढ़ जा रहे थे, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर वे वन विभाग के ऑफिस में आ गए। वहां उनके दोस्त रजत का कोई काम था। हालांकि मामले में फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा था कि वे नहीं जानते थे कि रमित तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपना परिचय उस तरह से करवाया ही नहीं था। यह मामला बाद में शांत हो गया था। इंटरनेट पर रमित के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, उनके कांग्रेस में शामिल होने से हरियाणा की सियासत में क्या और कितना फर्क पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा।